ये मार गए चांदी और कर्मचारी सारे लाठियां कर ले बहुत पिटे ये पुलिस वाले पुलिस ने पिटे या पुरानी पुलिस नई पुलिस ने पिटे। वैसे तो मैंने आज ईसा लग गया गांव में बोला ना बीजेपी ना जेजेपी गांव में रह गया कल्ला जेपी ये लाने पड़े रामदिया ने तेरे खातर छोड़ के जाऊंगा एक काम कर लियो मारा तो उसे तोड़ है रणजीत भी लड़ा हुआ पहला थानों में मैं जब तो हम छोटे थे मेरी रणजीत की दूसरी कुश्ती है अपना उचाना मैं रणजीत को वोट मिली थी कुल 33 है और मन में मिली थी 35,000 मैं तो उन्हें कहूँ था माँ ऐसे फिर भोड़ के ला लेते हर जो पासे कोकड़िया वाला यार कने राहुल आया है छात्र गांव के सम्मानित बुजुर्गों नौजवान साथियों घरों में जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे पा रही है माताओं बहन और प्यारे बुजुर्ग साथियों ये बात भी सही है कि 3 बार भी यहाँ कोई एमपी नहीं रहा और चौथी बार तो मुझे इसलिए भी जच गई क्योंकि 1989 में पहली बार मैं यहीं आया और छात्र गांव के लोगों ने मेरे साथ थे चौधरी कलीराम यहाँ चले पुराना गए टेकराम और कैसे तो उस दिन छात्र गांव के लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला था और आज फिर 37-38 साल के बाद मैं देख रहा हूँ सब या तो खुद आ रहे हैं इनके परिवार का कोई कोई सरपंच साहब आया रे मतलब कोई 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 परिवार का सदस्य मुझे आशीर्वाद देने आ रहा है और जब छात्र गांव का हर नर नारी मुझे आशीर्वाद देगा तो चौथी बार जाने से मेरे हिसाब से तो को रुकेगा मैं तो है मैं ये कह रहा हूँ हमारे साथी ने 2 बात कही देखो भाई बात यह है वैसे तो इसमें भी कोई दो राय नहीं छात्र अपने इलाके का बड़ा गांव है और छात्र गांव एक बहुत शांति प्रिय गांव भी है और जहां तक रही विकास की हम तो सबसे पहले आते ही यही एक काम जो बहुत ज़्यादा जरूरत है जैसे हुड्डा साहब ने कहा था 2 लाख रोजगार पेंडिंग है 2 लाख सबसे पहले आते ही हम 2 लाख बच्चों को रोजगार देंगे और पक्के देंगे कौशल रोजगार निगम के तहत नहीं देंगे हर बूढ़े बूढ़े को रुको हर बूढ़े बूढ़ी को 6,000 रुपये महीना पेंशन देंगे हर दलित और पिछड़े वर्ग के भाई को 100-100 गज के प्लाट में 3-3 कमरे का मकान बना करके देंगे हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देंगे और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए इस देश के अन्नदाताओं ने इस देश की किसानी बचाई और 730 लोग 2 ही बार शहादत हुई है देश की जंग आज़ादी की लड़ाई में हमारे हजारों लोग शहीद हुए थे तब जाकर के हमें राज मिला अंग्रेज ने राज छोड़ने पर भी विवश हुआ और जब राज हमें मिला तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कानून के राज की स्थापना की जिसको हम संविधान कहते हैं आज संविधान को भी बदलने का प्रयास हो रहा है तो इसलिए मैं अपने अन्नदाता बुजुर्गों से भाइयों से कहना चाहूँगा जो आप लोगों की मांग है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करना यानी C2+50% प्रॉफिट ही आप चाहते हो वो देंगे और उसमें गारंटी देंगे अगर कोई गारंटी को तोड़ेगा उसमें कानून बनाएंगे उसको सजा का प्रावधान करेंगे ये इस तरह की
योजना हमारी। अब एक अग्निवीर पे भी आऊंगा, अभी तो और भी आने है। ये मारगड़े चंदी और कर्मचारी सारे लाठी आंगन ले ले, बहुत पीटते हैं ये पुलिस वाले, पुलिस ने पीटते हैं या पुरानी पुलिस नई पुलिस ने पीटते हुए कहा हमारी पेंशन दोगे क्यों लो। ओपीएस बहाल करें। आखिरी में मैं एक बात कहना चाहूंगा, कुछ मांगे थी मुझे याद है शायद 5 अगस्त 2013 को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा घोषणा करके गए थे, पेंडिंग रह गई थी, हम सारी की सारी वो लागू करेंगे। हमारे साथी आ जाए जो टैबर के होता हूँ मैं, इसे तो चाहिए थे हिंदी बुला ले भाई। वैसे तो मन्ना आज ईसा लग गया गांव में, बोला ना बीजेपी ना जेजेपी, गांव में रह गया कल्ला जेपी। बीजेपी भी गई और जेजेपी भी गई। तो मैं एक बात बताऊं भाई, कई बार आप एक शंका हुआ है, बोला ये कई पुराने से ही खड़े से, ये छोटे छोटे थे क्यों खड़ा, ठीक है पुराने हैं, राम दिया भी नहीं था सुन भी, लेकिन जब परिवार में कोई बच्चा पैदा हो जाता है चाहे एक घंटे का हो, जब जन्म ले लेता है वो भी परिवार का सदस्य है, और चाहे 80 साल का बूढ़ा हो वो भी परिवार का सदस्य। मैं सारे बुजुर्गों से नौजवान भाइयों से कह करके जा रहा हूं, जो आज कांग्रेस पार्टी में आया है वो आज से ही 80 साल के बूढ़े के बराबर है, क्योंकि राजनीति में नया पुराना नहीं होता। अगर राजनीति में बदलाव नहीं होगा, आप कई बार गामा में जीत बांध लिया बोला लो रहे तो कह लाया अपने पर किले पर काम तो कौन चल लिया, ये लाने पड़े रामदेव ने तेरे खातर छोड़ के जाऊंगा। भाई मैं एक बात कहता हूँ छात्र गांव के लोगों, बड़ा गांव है, कई गांव में असर है, और मैंने 550 गांव में जाना है, अगर फिर भी छात्र गांव का कोई बूढ़ा बुजुर्ग या नौजवान ये कहे कि जयप्रकाश ये तेरा साथ देने के लिए तैयार है, आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, और गांव में आना पड़ेगा, आधी रात भी मैं आऊंगा, दिन में तो आऊंगी और रात ना आ पाऊंगा, वरना हमारे साथियों की टीम बनाई है, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग भी हैं, CPM CPI के भी हैं। ये जो साथी आप लोगों के सामने हाँ भर जाएंगे कह जाएंगे, ये समझो कि जो ये हाँ भरेंगे वो जयप्रकाश के बिहाफ पे भरेंगे, क्योंकि आज आपने जो वोट मांगनी है वो JP बन के मांगनी है, कल को जुम्मे आप मेरे जामन और मैं थारा जुम्मेवार, ठीक है कि नहीं, यही बात कहने के लिए आए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। छात्र गांव के सैकड़ों आदमी है ना, नाम तो जान एक काम कर लियो मारा तो उसे तोड़ है, रणजीत भी लड़ा हुआ पहला थानों में, मैं जब तो हम छोटे थे, मेरी रणजीत की दूसरी कुश्ती है। हाँ मैं तो लड़ा था नारियल पे आजाद, रणजीत लड़ा था कांग्रेस दे, अपना उच्चारण में रणजीत को वोट मिली थी कुल 33 है, और मन में मिली थी 35,000, मैं तो उन्हें कहूँ था आज फिर बोर्ड के ला लेते। अब अग्निवीर, मैं अग्निवीर के बेरे क्यों खिलाफ, सिंगड़ोवा है कर्नल अपना ज्यों का, मुझे कहने लगे बोले अंकल जी ऐसा बुरा हाल कर दिया, जहाज तो लिया है लाखों करोड़ के, टैंक लिया है और बालक रख लिए फौज में 4 साल के, अब 4 साल में तो 76 में इतने ट्रक हैं, को ड्राइवर भी बनता है जो बता दो भाई, कौन बनता जी
ट्रक का कौन बन सकता ड्राइवर। हम इस अग्नि अग्निवीर को बंद करेंगे, दोबारा फिर वही रेगुलर भर्ती चालू करेंगे।